हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारी टॉपिक है नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम होता क्या है, पहले हम इसके डिफिनेशन जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है, इसके मैं अगर फंक्शन बताऊँ तो आपको पहले ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अब डिटेक्ट तो कर लिया, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। और इसका अगर तीसरा फंक्शन माना जाए तो इट इनेबल्स रैपिड कम्युनिकेशन। बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी अगर अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसके हम डिवाइड कर देंगे हर एक ग्रुप में। दोस्तों, जिस तरीके से मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से चार्ट बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत इजी होगी पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम पहले लिखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो डिवीज़न होते हैं, इसके दो डिवीज़न हैं। एक होता है CNS, एक होगा CNS और दूसरा होगा PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो CNS होता है, अब इसका दो डिवीज़न, एक होगा ब्रेन, दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। और जो PNS है, PNS का भी दो डिवीज़न। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम तीन डिवीज़न में क्लासिफाइड होता है, CNS, PNS, NS। लेकिन हम इसको अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इस तरीके से हमको करना पड़ता है, पहले CNS फिर PNS। PNS के अंदर दो डिवीज़न, एक होता है मोटर डिवीज़न और दूसरा होता है सेंसरी डिवीज़न। जो मोटर डिवीज़न होता है, अब इसके अंदर जो मोटर डिवीज़न होगा, मोटर डिवीज़न को हम क्लासिफाई करेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हो गया। अब इसके बाद, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट मीन्स लाइक हार्ट बीट, पेरिस्टाल्सिस, ग्लैंडुलर एक्टिविटी एंड सो ऑन। तो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे दो डिवीज़न में। वो कैसे, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम करेंगे इसको दो डिवीज़न, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग पहले जान लेते हैं सेंसरी और मोटर डिवीज़न क्या है। तो सेंसरी डिवीज़न क्या होता है, जो रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक, हायर सेंटर तक जो इन्फॉर्मेशन ले जाता है, उसको बोलते हैं सेंसरी डिवीज़न। और दूसरा होता है मोटर डिवीज़न। मोटर डिवीज़न ऐसा होता है जो ब्रेन से लाकर जिस जगह पर रिस्पांस देना है, जिस जगह से रिस्पांस पहले गया था, उस जगह पर अगर फिर से रिस्पांस आए ब्रेन के थ्रू,
ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम हायर सेंटर टू लोअर सेंटर, देन उसको बोलते हैं मोटर डिवीजन। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले ब्रेन। ब्रेन में बेसिकली क्या होता है, ब्रेन डिवाइड होता है तीन पार्ट में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे फोर ब्रेन में मान लीजिए इसको हमने दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे प्रोजेंसेफेलन। प्रोजेंसेफेलन मिड ब्रेन को मेजेंसेफेलन और इसको रोमेंसेफेलन। ये हो गया। तो हम लोग पहले जान लेते हैं इसका इस तरीके से नाम क्यों दिया गया। तो बेसिकली जब पहले क्या होता है, जब शुरू शुरू में नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, प्रोजेंसेफेलन, मेजेंसेफेलन और रोमेंसेफेलन का, तो इस तरीके से पहले होता है। पहले हम आपको उसका डेवलपमेंट दिखाते हैं। पहले असर उसका पहले होता है थ्री वीक्स। थ्री वीक्स में क्या होता है, थ्री वीक्स में ब्रेन पहले इस तरीके से था। इसको हम डिवाइड करते हैं प्रोजेन में, मेजेन में और रोमेंसेफेलन में। जब ये फाइव वीक्स का होता है तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो दो में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, और बीच वाला पार्ट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता। मेजेंसेफेलन का मेजेंसेफेलन एक ही पार्ट रहता है, और जो तीसरा पार्ट रोमेंसेफेलन है वो डिवाइड, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे इस तरीके से रोमेंसेफेलन डिवाइड हो गया, और इस तरीके से मेजेंसेफेलन नहीं डिवाइड हुआ, और इस तरीके से प्रोजेंसेफेलन में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग क्या पाते हैं, थ्री वीक में एक दो तीन, तीन थ्री वीक में थ्री स्ट्रक्चर, फाइव वीक में एक दो तीन चार पाँच, फाइव वीक में फाइव स्ट्रक्चर। और जब इसका एडल्ट डेरिवेटिव, जब एडल्ट हो जाता है एडल्ट स्टेज में, तो कैसा होता है, तो हम लोग फोर ब्रेन से जाते हैं। पहले फोर ब्रेन क्या, फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन, इस तरीके से ये प्रोजेंसेफेलन, मेजेंसेफेलन, रोमेंसेफेलन। तो हम लोग पहले जो ये तीनों पार्ट हैं हम इनको डिवीजन कर लेते हैं। फोर ब्रेन में बेसिकली क्या क्या पार्ट होते हैं, तो फोर ब्रेन में हम लोग जब ये एडल्ट स्टेज में, जब ये मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज से जब ये डेवलपमेंट करता है, तो इसमें क्या होता है, प्रोजेंसेफेलन में डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक होता है टेलेंसेफेलन और दूसरा होता है डाइनसेफेलन, ठीक है। और उसके बाद जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन ही रहता है, और जो हिंड ब्रेन होता है ये भी डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, मेटेंसेफेलन और माइलेंसेफेलन, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब टेलेंसेफेलन से कौन सी डेरिवेटिव होगी, हम उसको देखते हैं। टेलेंसेफेलन से देगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम बोल दीजिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। डाइनसेफेलन ही रहता है, और उसके बाद जो मिड ब्रेन होता है मेजेंसेफेलन से मिड ब्रेन ही रहेगा, और जो मेटेंसेफेलन है, मेटेंसेफेलन से दो डेरिवेटिव होता है। इसका एक डेरिवेटिव होता है पोन्स वेरोली और दूसरा होता है सेरिबेलम। और जो माइलेंसेफेलन है, इसका एक ही डेरिवेटिव होता है जो लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो दोस्तों, यहाँ तक अभी तक हमने ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की किस तरीके से डिवीजन होता है हमने उसको बात की। अब अगले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन,
उसके बाद सेरिब्रम, सेरिबेलम, उसके बाद जो पोन्स वेरोली, ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, आपको इधर दिखा देते हैं। ब्रेन स्टीम में बेसिकली होते हैं तीन पार्ट। ब्रेन स्टीम में अगर हमने ब्रेन को सेजाइटल सेक्शन काटा, सेजाइटल सेक्शन काटने का मतलब होता है कि हमने किसी इंसान को खड़े करके, जैसे अगर ये इंसान कोई खड़ा है तो इसको हम इस तरीके से काटेंगे कि ए लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर ब्रेन को इस तरीके से काटें तो मान लीजिए ब्रेन है और ये हो गया सेरिबेलम। ये सी शेप है, हम लोग इसको याद करने के लिए ऐसे सी है, तो इसका सेरिबेलम पी से तरीके, ए पी से होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है और एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, पहले हम इसको देखते हैं, ये होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर होता है डाइनसेफलन, ऐसा नहीं सेरिब्रम का ही पार्ट है डाइनसेफलन, नहीं, सेरिब्रम के अंदर छुपा होता है डाइनसेफलन। ये जो डाइनसेफलन होता है सेरिब्रम के अंदर होता है। उसके बाद आता है यहाँ जो ए पार्ट है, ये पार्ट है, इसको होती है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोन्स वेरोली, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो ब्रेन स्टीम बेसिकली कौन सी पार्ट है? ये पार्ट है, स्टीम का मतलब होता है डंडा, तो ये डंडा वाली पार्ट। इसमें सेरिबेलम नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए सेरिबेलम साइड में, तो सेरिबेलम नहीं पड़ेगा। तो इसमें ब्रेन स्टीम के अगर पार्ट देखी जाए तो कौन कौन सी पार्ट है? मिड ब्रेन, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। बस इतना ही। तो दोस्तों आज हमने डिवाइड किया नर्वस सिस्टम को हर एक ग्रुप में, और हम इसको लास्ट में देखते हैं तो हम इसकी कैविटी देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सी कैविटी होती है। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसमें अगर ब्रेन की कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल, तो सेरिब्रम में कौन सी वेंट्रिकल होती है? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल इसमें दो होता है, और दूसरा होता है डाइनसेफलन में होता है थर्ड वेंट्रिकल। डाइनसेफलन होता है थर्ड वेंट्रिकल। मिड ब्रेन में खास करके हम बोलते हैं वेंट्रिकल नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस अथवा उसको बोलते हैं हम सेरिब्रल एक्विडक्ट, उसको ही हम इसको वेंट्रिकल, इसकी कैविटी मानते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। और हिंड ब्रेन में जो वेंट्रिकल होता है उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे सेरिब्रम की डिवीज़न किस तरीके से होती है, उसमें सल्कस, गायरस, उसके बाद उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होते हैं और हर डिटेल्स। माफ़ कीजिए दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो थी इसलिए शायद इतना अच्छा नहीं हो पाया होगा जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे से वीडियो दे सकें, और आप अच्छे तरीके से हर किसी चीज़ को कंसेप्ट के हिसाब से अपनी नोट बनाकर खुद पढ़ सकें। तो दोस्तों इसी बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।